और यहां पर आपको बताएं कि पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को आगे बढ़ाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्टॉक एक्सचेंज में अमरीकी सरमायाकारी को सराहते हैं, चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमरीकी कंपनीज पाकिस्तान आए। मजीद तफसीला जानते हमारे नुमाइंदे राशिद खान से। राशिद खान, बताइएगा मजीद क्या कहना था अमरीकी सफीर का। जी शुक्रिया। अमरीकी सफीर ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और आज जो रिवायती घंटा था वो उन्होंने बजाकर कारोबार का आगाज किया और उनके आने का मकसद यही था कि पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी के हवाले से मजीद जो है इकदाम किए जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका आपस में इत्तेहादी और पुराने इत्तेहादी और गहरे दोस्त है और अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी की जाए और इसके लिए हालात को मजीद साजगार बनाया जाए। उन्होंने मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर से भी मुलाकात की और उसको उनसे गुफ्तगू की कि किस तरह अमरीका जो है पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया राशिद खान।